नगर पालिका ने भिलाई एवं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रथम उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत निगम भिलाई के सभागार में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को गणवेश वितरित कर बताया गया कि सड़कों पर व्यवसाय करते हुए किस तरह से शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखा जा सकता है। निगम भिलाई क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स भी अब हाइजीन फूड सेलिंग की ओर अग्रसर हो पाएंगे, क्योंकि अब निगम भिलाई ने प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक कार्यशाला का आयोजन निगम के सभागार में किया, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को बताया गया कि उन्हें सड़कों पर व्यवसाय करते हुए किस तरह से अपने खाने पीने की वस्तुओं को सुरक्षित रखना है और शुद्धता और गुणवत्ता किस तरह से बनाए रखनी है। इस कार्यशाला में शामिल होने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स को एक ड्रेस कोड भी उपलब्ध कराया गया, जिससे यह समझ में आ सके यह स्ट्रीट वेंडर्स पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और जिन्होंने यह गणवेश पहना है उनकी दुकान या ठेलों से आम जनता बेफिक्र होकर खाने पीने की वस्तुएं खरीद सकती हैं और खा सकते हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के एनवेलम डिपार्टमेंट की नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने कार्यशाला की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई है। ये जो निगम सभागार में हम बैठक कर रहे हैं, ये प्रथम फाउंडेशन एवं नगर निगम भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में स्ट्रीट फूड वेंडर्स की एक छोटी सी कार्यशाला बुलाई गई है, जिसमें स्ट्रीट फूड वेंडर्स को यह बताया गया है कि कैसे हाइजीन को मेंटेन करें और अपने ठेले पे साफ सफाई रखने के साथ साथ किस तरह से लोगों को आकर्षित करें। उस विधायक में उनको यह भी बताया गया इस कार्यशाला में कि आप क्या बोलते हैं, अपने लेजर कैसे मेंटेन करेंगे, अपने बही खाता का रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं, आप बैंकों में लेन देन कैसे कर सकती हैं, ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर स्ट्रीट फूड विक्रेता हैं उनको किसी भी प्रकार के बैंकिंग का नॉलेज के अभाव में वो सही कार्रवाई कर नहीं पाते हैं। और उनको ये भी बताया गया है साथ में कि आप जब हाइजीन का इस्तेमाल करें तो उसमें आप एप्रॉन का इस्तेमाल करें और लोगों को फूड डिलीवर करते समय आप हाथ में ग्लव्स और दस्ताने पहने, ये सब की एक एक किट उनको प्रदान की गई है। इसी के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई थी। जी जी बिल्कुल, इसमें सभी लोगों को एप्रॉन एक ही कलर में दिया जा रहा है, मैरून कलर में, जो यह बताया गया कि ये सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स नगर निगम भिलाई को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि सड़कों पर विक्रय होने वाले खाद्य सामग्री हाइजीन नहीं होते, परंतु अब सड़कों के किनारे खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशाला के माध्यम से हाइजीन फूड मेकिंग और सेलिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब यह भी बड़ी दुकानों की तरह हाइजीन फूड आम जनमानस को सर्व कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।